हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पंचायती राज कार्मिकों ने वाहन रैली निकालकर किया विरोध प्रदर्शन। राजस्थान पंचायती राज सेवा परिषद का अनिश्चितकालीन धरना और कार्य बहिष्कार आज 14वें दिन भी जारी रहा। बुधवार को पंचायती राज कार्मिकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वाहन रैली निकाली। रैली को सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष उगम सिंह रानीगांव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वाहन रैली पंचायत समिति से रवाना होकर जसदेव धाम पहुंची, जहां वक्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर अपने विचार रखे। इस दौरान जिले के सभी विकास अधिकारी, पंचायत प्रसार अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी वो मौजूद थे। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ जिला शाखा बाड़मेर के जिला अध्यक्ष मूला राम पुनिया ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर 14 दिन से पंचायत राज कर्मचारियों का धरना जारी है। उन्होंने कहा कि सरकार और पंचायती राज मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ से 9 बार लिखित समझौते भी हो चुके हैं, लेकिन हमारी मांगे अब तक नहीं मानी गईं। उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर को पंचायती राज कार्मिक अपने 5 परिवार के सदस्यों के साथ जयपुर कूच करेगा और जयपुर में पंचायती राज कर्मचारी अपने परिवार के साथ महापड़ाव करेंगे। इस दौरान सरकार पंचायती राज कर्मचारियों की मांग मान ले तो ठीक है, वरना 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन सभी कर्मचारी अपने परिवार के साथ आमरण अनशन पर बैठेंगे। इसमें हमारी कोई भी नई मांग नहीं है। हम पिछले 3 साल से सरकार से संघर्षरत है, जिसमें 9 बार हमारा सरकार के साथ में अधिकारियों और मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ के साथ में लिखित में समझौते हो चुके हैं और अब हम चाहते हैं कि उन पर अमल हो और आदेश प्रसारित हो। तो अगर आपकी मांगे समय रहते नहीं मानी जाती तो आपका अगला कदम किस प्रकार का रहेगा? हमारा अगला कदम ये रहेगा कि हम आगामी 1 अक्टूबर के दिन प्रत्येक एक कार्मिक अपने परिवार के 5 सदस्यों के साथ में 1 तारीख की शाम को जयपुर कूच करेगा और 2 अक्टूबर गांधी जयंती, जो कि राजस्थान में पंचायती राज जयंती के रूप में मनाई जाती है, वहाँ पर हम महापड़ाव डालेंगे। यदि सरकार ने हमारी मांगे इससे पहले मान ली और हमारे आदेश प्रसारित कर दिए तो हम सरकार को धन्यवाद ज्ञापित कर देंगे, और वरना आक्रोश रैली का आयोजन करके सारे के सारे परिवार के सदस्यों के साथ वहाँ हम आमरण अनशन जयपुर में शुरू करेंगे, जो कि आदर्श आचार संहिता लगने तक हम उसको जारी रखेंगे। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।